हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं क्या कक्षा दसवीं विषय अंग्रेजी की निचोड़ सीरीज को। इसमें हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये पहला वीडियो और इसमें हम लोग दो चीज, एक तो ऐसे देखेंगे जो कि आपका 8 मार्क्स के लिए आएगा, दूसरा जो है आपको लेटर या एप्लीकेशन वो 4 नंबर का आएगा। तो 8, 4, 12 टोटल 12 नंबर जो है इस वीडियो के बाद आपका फिक्स होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा उसको ही आपको आपके एग्जाम के लिए करना है। तो चलो देख लेते हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 8 नंबर आपको मिलेगा। तो बहुत ध्यान से आपको करना है, कम से कम 5 से 6 हेडिंग में आपकी आंसर जो है होनी चाहिए, ठीक है। फिर चलो देख लेते हो तो क्या क्या आपको तैयारी करना है। सबसे पहले प्रिफरेंस देख लेते हैं किसका है। सबसे पहले इसमें वंडर ऑफ साइंस और माई होबी, फिर थर्ड वन है इंपॉर्टेंट ऑफ गेम या ट्री, दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर एन इंडियन फेस्टिवल और कोइनन, देखो नीचे से दोनों में से एक और ऊपर से दोनों में से एक, ये दोनों कर लो और ये दोनों मान के चलो ये इंपॉर्टेंट ऑफ गेम या ट्री करना है तो कर सकते हो। तो कम से कम आपको 2 ऐसे, जितना भी बताया गया उसमें से 2 ऐसे आपको याद होना चाहिए ताकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होती है तब आपसे बन जाए। वंडर ऑफ साइंस और माई होबी किसी भी साल आप 18, 19, 20, 21, 22 पूरा हर एक साल को देखोगे तो हर एक साल आपको माई होबी और वंडर ऑफ साइंस आया। तो आप चाहो तो उन दोनों को भी करके रख सकते हो, ठीक है। तो इन टॉपिक को आपको आपकी एग्जाम के लिए करके रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या टॉप 5 इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन एंड लेटर, कि आपको क्या क्या एप्लीकेशन और क्या क्या लेटर करना है जिससे आपका जो 4 मार्क्स है वो फिक्स हो पाए आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन, 3 आपको एप्लीकेशन करना ही है, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही है तीनों। एंड एप्लीकेशन फॉर टीसी एंड सीसी वाला कर लेंगे। लीव का देखो, लीव का तो सबको याद होता है इसलिए मैं लीव का नहीं बोल रहा हूँ, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जो इंग्लिश में होता है उसकी बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। लीव का आप लोग को याद होना ही चाहिए सबको। फिर एंड एप्लीकेशन फॉर टीसी एंड सीसी कर लेना है। फिर नेक्स्ट है फी कंसेशन, फिर बुक बैंक, ये तीनों आप लोग कर लो फिर आपका ये 4 नंबर है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तीनों में से कोई ना कोई एक आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर आप लोग ब्रदर मैरिज सिस्टर मैरिज कर सकते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जो फ्रेंड है वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंटेज स्कोर किया तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कर सकते हैं। इस तरीके से इतना जो टॉपिक है आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके जो भी परीक्षा बोर्ड सार जो भी स्टडी मटेरियल होंगे उसमें टिक लगा के रख लो, यही यही टॉपिक आपको करके जाना है। आप दूसरा किए होंगे तो वो भी कमेंट करके बताना ताकि हम आपको बता पाए कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है करके, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरीके से हम आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में थोड़ी बहुत जो है हेल्प कर पाए और आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छे से आ पाए, ठीक है।